आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आज का हमारा प्रश्न है, सुरेश हैज अ रेक्टेंगुलर स्केच विच ही नीड्स टू ड्रॉ ऑन अ पेपर ऑफ लेंथ एंड विड्थ 32 यूनिट्स एंड 16 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली यूजिंग अ प्लॉटर। इसका मतलब ये हुआ कि सुरेश को एक रेक्टेंगुलर स्केच ड्रॉ करना है एक पेपर पर, कितनी लेंथ का, 32 लेंथ का, और ब्रेड्थ कितनी होनी चाहिए उसकी, 16, ठीक है। तो फिर उसको प्लॉटर की सहायता से उसको वो स्केच जो है वो ड्रॉ करना है। प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर ड्राइंग के लिए काम आता है, जो कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग्स होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड स्केच होते हैं उसके लिए वो काम आते हैं, ठीक है। और प्लॉटर पर प्लॉटर एक्सेप्ट ओनली पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स वेयर द 0.00 इज़ द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर ऑफ द पेपर। पेपर के लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे 0.00 वहाँ पे पॉइंट होते हैं, तो प्लॉटर जो है सिर्फ उसी को एक्सेप्ट करता है। द स्केच ए बी सी डी नीड्स बी सेंट्रली अलाइंड, सेंटर में अलाइंड होना चाहिए वो स्केच जो भी है वो, और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी एंड डी टू बी प्लॉटेड टू गेट द स्केच प्लॉटेड एज नीडेड। तो हमें ए बी सी और डी के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं जो हमारे प्लॉट जो हमारे स्केच को प्लॉट करने में मदद करेंगे। तो यहाँ पे देखो, हमें स्केच वन और स्केच टू दिए गए। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इन द स्केच टू इफ द पॉइंट ओ डिवाइडेड ए सी इन द रेशियो के रेशियो वन देन द वैल्यू ऑफ के इज। यहाँ पे हमें चार ऑप्शन भी दिए हैं, वो फर्स्ट वाला दिया है 2, सेकेंड वाला दिया है 1, थर्ड वाला दिया है हाफ, और डी वाला दिया है 3। तो हमको यहाँ पे ये बताना है, इन द स्केच टू में जो पॉइंट ओ है, ये जो पॉइंट ओ है वो अगर यदि ए सी को डिवाइड करता है के रेशियो 1 में, तो हमें यहाँ पे के की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें ऑलरेडी एक चीज़ गिवन दी गई है। क्या चीज़ हमको गिवन दी गई है कि हमको यहाँ पे दिया गया है, गिवन दैट इन द स्केच टू में हमको एक चीज़ गिवन दी गई है, दैट इज़ द पॉइंट ओ डिवाइड्स ए सी इन द रेशियो के रेशियो 1। के रेशियो 1 में जो ए सी है उसको कौन डिवाइड कर रहा है, ओ डिवाइड कर रहा है। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए ओ एंड सी आर, अब यहाँ से ध्यान से देखना कि ए ओ सी एंड A O and C का, तो A में देखो यहाँ पे -3, 2 है, O में 0, 0 होता है, ठीक है। और इसके बाद C ये वाला रहेगा, ये देखो यहाँ से C, तो 3 -2, तो जो ओके पॉइंट आते हैं वो आते हैं 16 और 8, ठीक है। तो ये जो 16 और 8 है इसकी मदद से हम A O और C की वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो A की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, A की वैल्यू के लिए देखो, A में यहाँ पे क्या दिया गया है, इस चित्र में अगर आप देखोगे, इस स्केच में अगर आप देखोगे, तो A में हमें क्या दिया गया है, -3 और 2, क्या दिया है, -3 और 2 दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 16 -3 और 8+2, 16 और 8 आए थे हमारे कोऑर्डिनेट्स, 16 और 8 आए थे हमारे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर 16 में से 3 जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 13, और 8+2 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, ठीक है। इसी के बाद हम सेम O का निकालेंगे, तो O का तो 0, 0 ही होता है ना, तो सिर्फ क्या कर देंगे हम, 16 और 8 ही कर देंगे, क्योंकि 0 प्लस करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, और 8 में 0 प्लस करेंगे तो 16 और 8 ही आ जाएगा, है ना। फिर हम निकालेंगे C का, तो C का हम इस स्केच में देखेंगे, तो क्या है C का, 3 और माइनस का
टू, तो थ्री और माइनस का टू है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे 16 प्लस थ्री कर देंगे और 8 माइनस का टू कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस थ्री इज़ 19 और 8 माइनस टू इज़ 6। तो इस प्रकार से इस टाइप से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए का हमारा रिस्पेक्टिवली कितना आ गया 13, 10 आ गया, बी का हमारा कितना आ गया यहाँ पे देखिए 16, ओ का हमारा कितना आ गया 16 और 8 आ गया, और सी का हमारा कितना आ गया यहाँ पे 19 और 6 आ गया। ठीक है, सो इट इज़ क्लियर द पॉइंट 0 इज़ मिडिल ऑफ द लाइन ए सी। इनसे ये बात क्लियर होती है कि जो पॉइंट ओ है वो ए सी के बिल्कुल बीच में है। ठीक है, so, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इट इज़ क्लियर दैट पॉइंट ओ इज मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन ए सी, देयरफॉर पॉइंट ओ डिवाइड्स इन द लाइन रेशियो 1, 1। अब अगर वो बिल्कुल सेंटर में है तो वो दो पार्ट को बिल्कुल बराबर भागों में डिवाइड करेगा, तो अगर इस साइड का 1 है तो इस साइड का भी 1 होगा। मान के चलो कि यहाँ पे एक लाइन है, मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ। अब यहाँ पे कोई पॉइंट ओ है, ठीक है, ये कोई ए सी मान लो लाइन है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। तो अगर ये वाला पार्ट इसका 1 है और अगर हम बोले कि ओ इसको बराबर दो भागों में बांटता है, ठीक है, इक्वली टू पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है, तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, है ना। सेम इसी यही वाली प्रोसेस जो है वो यहाँ पर है, तो हम बोल सकते हैं कि हेंस द वैल्यू ऑफ के इज 1, i.e. k इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 1, 1 का उसका रेशियो हो जाएगा। तो ऐसे ही अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।